टाटा बाय बाय, बल्कि कह दिया है अपने ससुराल को। भैया धोखा दिया है उन्होंने, उसकी बेटी से उसको दूर रखा है, तो अब अथर्व और अपने ससुराल को टाटा बाय बाय कह के अपनी बेटी कैरी को अपने साथ लेकर एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही हैं। निकल पड़ी है कैरी के साथ उसके इस नए जहां में। केवल वो होगी और उसकी बेटी कैरी, किसी तीसरे के लिए जगह तो बिल्कुल नहीं होगी। जैसे हम झाड़ू से सारा धूल उड़ा देंगे और दस्तर से मिट्टी को गायब कर देंगे, चूहों को गायब कर देंगे, तब जगह प्राइस पूरा हो जाएगा। अपना ससुराल यानी कि राणा हाउस छोड़कर अब वो इस नए घर में आ गई है, जिसकी कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं। ये घर नहीं, चार दीवारी है। ये घर तो उसे अब इमली बनाएगी। ये कम पैसों में जो भी मिला इमली को वो उसे कबूल है, लेकिन अथर्व के साथ रहना उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। इस मकान को अब वो घर बनाने की तैयारी में लग गई है। छोटी छोटी बातों में वो कैरी के साथ खुशियाँ ढूंढ ले रही है। मुश्किल से घर मिला है, लेकिन घर की हालत बहुत खराब है, पैसे बहुत ज्यादा है, तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन अपनी बेटी को तो मायूस नहीं कर सकती मैं, तो इसीलिए उसको खुश करने के लिए उसको बोलती हूँ कि हम लोग ये गेम खेल रहे हैं और ये गेम का पार्ट है, तो मैं ऐसे एक एक राउंड जीतेंगे तो हमें प्राइज मिलता रहेगा, ये हमारा पहला प्राइज है, तो ऐसे करके मैं उसको समझा रही हूँ। और हम लोग मस्ती करते करते, दोनों डांस करते करते पूरे घर की सफाई कर रहे हैं। अब सीरियल की हीरोइन है, यूं अकेले तो उसका गुजारा होगा नहीं, उसे मनाने के लिए हीरो भी तो आएगा, और उसके बाद लंबी चौड़ी बहस होगी दोनों में। अब उस बहस का नतीजा क्या निकलेगा ये तो हम भी नहीं जानते हैं। फिलहाल अभी कुछ दिनों तक तो इमली अपनी बेटी के साथ यहीं पर रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।